हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने पाई चार्ट पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का हमारा टॉपिक है बार ग्राफ्स। इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, सभी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करूंगा। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स अपडेट एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। इस टॉपिक में थ्योरी कुछ है नहीं, सिर्फ आपको यहां पे डेटा रीड करना आना चाहिए। यहां पे दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिटीज हम करेंगे, टाउन करेंगे या एम्प्लॉयमेंट करेंगे, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये करते हैं हम एक्स एक्सिस पे। एंड वाई एक्सिस पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे न्यूज़पेपर पी एंड न्यूज़पेपर क्यू है, तो पी को रिप्रेजेंट करता है ये जो ब्लू वाला बार है, एंड क्यू न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करता है ये जो चॉकलेट वाला बार है। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने लिखी है सिटीज, सिटी ए बी सी डी एंड ई, एंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सेल, यानी न्यूज़पेपर पी की सिटी ए में कितनी सेल होगी, बी में, सी में, डी में एंड ई में कितनी होगी। ये जो डेटा है ना, ये वाई एक्सिस पे गिवन है। अब देखो यहां पे हमारे पास न्यूज़पेपर पी है, अगर हमें पता लगानी होगी कि सिटी ए में कितनी सेल होती है, तो हम देखेंगे इसके मुकाबले में ये जो बार है ना, ये कितना लंबा है। जितना ये लंबा होगा, उसके कंपैरिजन में यहां से y एक्सिस पे जो वैल्यू होगी उसको आपने लेना है। यहां पे 640 है, इसीलिए इसकी वैल्यू 640 है। अगर आपको कोई पूछेगा, बताओ भाई न्यूज़पेपर q की CTA में कितनी सेल होती है, तो आप इस वाले बार को देखोगे, क्योंकि ये जो चॉकलेट कलर का बार है ये रिप्रेजेंट करता है न्यूज़पेपर क्यू को, तो इसी को आप देखोगे। अब ये यहां पहुंचा, इसके कंपैरिजन में यहां पे आओ, तो जो वैल्यू वाई एक्सिस पे होगी वही उतनी ही सेल होती है न्यूज़पेपर क्यू की सिटी ए में। बस इस तरह से हम डेटा को रीड करते हैं। अब जो भी बाकी कॉन्सेप्ट होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां जहां पे जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटीज ए एंड सी टू द टोटल डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर क्यू इन सिटीज बी एंड डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। देखो यहां पे हमने रेशियो फाइंड करनी है, किस किस की, सेल ऑफ न्यूज़पेपर पी इन द सिटी ए एंड सी। अब देखो ए सिटी में न्यूज़पेपर पी की ये सेल होती है और सिटी सी में न्यूज़पेपर पी की इतनी सेल होती है। ओके, फिर न्यूज़पेपर क्यू इन सिटी बी, क्यू की ये है हमारे पास सिटी बी में एंड डी में, बस इनके हमने रेशो फाइंड करनी है। करो यहां पे ए एंड सी, मतलब ए प्लस सी और इसकी रेशो बी एंड डी, दैट इज बी प्लस डी। यहां पे न्यूज़पेपर पी है, यहां पे न्यूज़पेपर क्यू है। देखो 640 यहां पे, यहां पे आ गया प्लस 480 और रेशो बीच में क्यू की कहां क्या है, 600 बी सी टी में एंड डी सी टी में 680। करो इनको प्लस 1120 एंड 1280, ये जीरो हो गया कैंसल। ओके, अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 4s are 112 एंड 32 4s are 128, आपके पास बनेगी 28:32। अभी भी ये होगा, ये 7 4s are 28 एंड 8 4s are 32। ठीक है, तो आ गया 7:8, तो ये आपके पास आ गया करेक्ट आंसर। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द टोटल डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटीज बी डी एंड ई इज
व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ न्यूज़पेपर क्यू इन सिटीज ए सी डी एंड ई। यहां पे हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ आप, जब हमने पाई चार्ट किया था वहां पे मैंने आपको बोला था जब भी परसेंटेज आपको दिखे आपको एकदम से रेशो मेथड दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। हमने क्या करनी है, यहां पे रेशो फाइंड करनी है। न्यूज़पेपर पी बी डी एंड ई, देखो न्यूज़पेपर पी ये है बी में और ये है डी में और ये है ई में, करो इनको प्लस। 560 प्लस 750 प्लस 550, ठीक है, ये पी न्यूज़पेपर की है। और क्यू की क्या आएंगी, क्यू की हमने देखनी है ए सी, सॉरी अब यह है क्यू, ए और सी डी का भी देखना है, ठीक है, ए सी डी एंड ई, ई का भी देखना है। तो करो इनको, देखो 450 प्लस 650 प्लस 680 प्लस 620, ये वैल्यू 620, करो फटाफट से इनको प्लस। 00 ये हमारे पास आएगा 1860, ठीक है, इनको प्लस करो, ये बनेगा 2400, ठीक है, ये जीरो कैंसल, तो 93 2 186, और इसको करो 120 2 ये होगा 240, इसको 3 से करो 31 3 93 एंड 40 3 120, तो आपके पास आएगी 31:40, ये आपके पास रेशो आएगी। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आप आराम से परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। आपने देखना है जो न्यूज़पेपर पी है, द टोटल डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर पी इन दिस सिटी लेस देन, कितनी लेस है, तो बताओ कितनी लेस है इनमें, 9, किसके कंपैरिजन में देख रहे हो आप, लेस देख रहे हो, यानी क्यू के कंपैरिजन में पी का आप लेस देख रहे हो, तो क्यू के कंपैरिजन में यानी कि 40 हमारे पास बेस आएगा, जिसके कंपैरिजन में देखा जाता है ना वो बेस आती है, ये या आपको याद रखना है। तो करो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज, ये जीरो कैंसिल, बनेगा 90/4%, करो फटाफट से इसको डिवाइड, तो ये डिवाइड करके आएगा 22.5%, तो ये हमारे पास निकल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इन विच सिटी द डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी इज 1.25 टाइम्स द एवरेज डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर क्यू इन सिटीज ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी सिटी में जो डेली सेल है न्यूज़पेपर पी की वो है 1.25 टाइम्स, का मतलब मल्टीपल टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली सेल्स ऑफ द न्यूज़पेपर क्यू इन सिटीज ए बी सी डी एंड ई। यहां पे आपने क्या करना है, 1.25 को मल्टीप्लाई करना है एवरेज डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर क्यू। यहां पे आपने जो न्यूज़पेपर क्यू है ना उसकी एवरेज सेल निकालनी है, यानी सिंपल एवरेज निकालनी है ए बी सी डी एंड ई में। ओके, तो निकालो पहले एवरेज क्यू ए बी सी डी एंड सब में, यानी ये है क्यू ए बी सी D एंड E, लिखो फटाफट से 450, दूसरा हमारे पास है 600, फिर हमारे पास 650, फिर हमारे पास 680 एंड 620। जरा मुझे बताओ यहां पे आप एवरेज कैसे फाइंड करोगे, एक तो ये तरीका है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सब को प्लस करो, फिर 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करो, निकलेगी आपके पास एवरेज, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए यहां पे हम डेविएशन मेथड लगाएंगे। डेविएशन से हम कैसे करते हैं, सबसे छोटा क्या है 450, सबसे बड़ा 680, इन दोनों के बीच में किसी नंबर को भी हम एवरेज कंसिडर करते हैं, आपको अपनी चॉइस है। यहां पे अगर मैं लूंगा 650 को एवरेज, यहां पे लिखूंगा मैं, ये हो गई एवरेज। अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने डेविएशन फाइंड करनी है, ठीक है, यानी 650 माइनस 450 करो आपके पास आएगा, सॉरी 450 माइनस 650 आपने करना है,
यानी ये छोटा है तो माइनस आएगा 200, यहां पे ये छोटा है तो माइनस 50 आएगा, यानी 600 माइनस 650 यहां पे आएगा जीरो, 680 माइनस 650 प्लस, और 620 माइनस 650 तो माइनस 30। फिर यहां पे आपने इनको प्लस करना है, अब देखो प्लस माइनस माइनस तो 30 और ये हो गया खत्म, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सॉरी यहां पे आप प्लस करो, ये बनेगा 250, लेकिन माइनस 250 बनेगा, क्यों, बड़ी रकम के साथ माइनस वाली निशानी है। उसके बाद अपान में आप क्या करते हो, 1 2 3 4 5 जितने हैं उतना आपने फाइव करना है डिवाइड, उतना आपने डिवाइड करना है। तो करो आप इसको सिंप्लीफाई, 5 1 5 50 5 2 50 तो 650 प्लस माइनस माइनस आएगा 50, सॉरी 650 माइनस 50 तो आपके पास जो एवरेज है ना वो आएगी 600। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है 1.25 टाइम्स, यानी इसको आपने 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आप लिख सकते हो 125 अपॉन 100 है ना, क्योंकि जो डेसिमल है उसका 1 आएगा और इसके बाद दो डिजिट है तो 20 इनटू 600, ठीक है। तो यहां पे 100 ones are 100, 100 6s are 600, 125 मल्टीप्लाई बाय 6 फटाफट से करो तो आपके पास आएगा 750। अब आपने देखनी है न्यूज़पेपर पी की कौन सी सिटी में 750 सेल होती है। देखो यहां पे 640 नहीं, 560 नहीं, यहां पे होती है 750, यानी सिटी डी में, तो ये हमारे पास आएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन है डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ फाइव कंपनीज, ये हमारे पास बार ग्राफ है जिसमें डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स पांच कंपनियों की गिवन है, ए बी सी डी एंड ई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनीज, यहां पे हमने रेशियो फाइंड करनी है टोटल डिमांड ऑफ कंपनीज ए सी एंड ई टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी बी एंड सी। सिंपल आप कर सकते हो, पहले देखो टोटल डिमांड ऑफ ए सी एंड ई, मैं लिखूंगा टोटल डिमांड ए सी और ई की, यानी ये हमारे पास डिमांड है ए सी और ई की, कितनी कितनी है, 50 प्लस 60 प्लस 55 है ना, रेशो फाइंड करनी है टोटल प्रोडक्शन की, किसकी, कंपनी बी एंड कंपनी सी की, कंपनी बी की यह है टोटल प्रोडक्शन एंड कंपनी सी की यह है, दैट इज 38 प्लस 72, करो प्लस 165 आया 110, ठीक है 55 3s are 165 एंड 55 2s are 110, दैट इज 3:2, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ कंपनीज सी डी एंड ई इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ ऑल द कंपनीज ड्यूरिंग 5 ईयर, यहां पे हमने क्या फाइंड करना है, यहां पे हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, यानी जो टोटल प्रोडक्शन है मोटरसाइकिल की कंपनी सी में, यह टोटल प्रोडक्शन है और यह डिमांड रिप्रेजेंट करता है, सी डी एंड ई ये कितने परसेंट लेस है टू द टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ऑल द कंपनीज, ठीक है सारी कंपनियों का यहां पे हमने देखना है टोटल डिमांड, तो परसेंटेज है तो रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, पहले है टोटल प्रोडक्शन, लिखो टीपी, टीपी किसका देखना है, सी डी और ई का, 72 प्लस 75 देखो ना 75 और 40 और डी का, डी का हमारे पास क्या है टोटल डिमांड, डी की जो टोटल डिमांड है यहां पे यहां पे यहां पे सभी को आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी 50 प्लस हो गया 45 प्लस हो गया 60, यहां पे मैं लिखता हूं बाकी प्लस 65 प्लस 55, ठीक है ओके तो करो इनको प्लस, इनको प्लस करके आएगा 187 डिवाइडेड बाय, यहां पे करो
हाँ ये आपके पास आएगा 275, ठीक है, इसको प्लस करके 275। अब करो इनको, 11 इलेवन 17s are 185 और ये भी 11 से होगा, 11 25s are 275, तो 17 is to 25। एक चीज आपको मैं यहां पे कहूंगा, अगर आपको ये उड़ाना नहीं आता है ना, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, 187 और 275। अब आप क्या आपने निकालना है कितना लेस है, ठीक है, ये इसके बीच में डिफरेंस देखो और अपान में करो। अब यहां पे आप लेस देख रहे हो ना, तो कंपैरिजन आप ज्यादा वाले के साथ करोगे, यानी इसके साथ कंपेयर करोगे, तो इसको लिखोगे अपान में, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से भी आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से उड़ाना नहीं आता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का है, अपन इसके कंपैरिजन में लेस देख रहे हैं ना, यानी बेस आएगी 25 और मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो निकल जाएगी परसेंटेज 25 4 100 8 4 32, दैट इज 32% इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, द नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल टू आर मोर देन द एवरेज डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ओवर 5 ईयर्स। अब यहां पे हमने देखना है कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल किसके इक्वल है, इक्वल है या ज्यादा है एवरेज डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ओवर 5 ईयर्स। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 साल की डिमांड है ना, इसकी एवरेज निकालेंगे, फिर हम देखेंगे टोटल प्रोडक्शन किस किस कंपनी में इक्वल है या ज्यादा है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले डिमांड, पहले आप एवरेज निकालो, 50, फिर यहां पे 45, फिर है 60, फिर है 65 एंड फिर है 55। अगर यहां पे इसको थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करोगे ना, देखो सबसे छोटा 45, फिर इससे बड़ा 50, फिर इससे बड़ा 55, 65। यहां पे देखो एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको मिल रहा है ना, 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस, तो ये आपके पास एपी बन रही है। तो एपी में मैंने आपको बोला है यहां पे एवरेज क्या होती है, मिडल टर्म होती है, ठीक है, तो मिडल टर्म यहां पे क्या है, सॉरी एक चीज मिस हो रही है, 1 2 3 4 5, यहां पे 45 50 60 तो हमने लिखा ही नहीं, 60 और 65, ये एपी बन रही है, तो इसकी एवरेज सीधा मिडल टर्म होगी, तो ये इधर, तो 55 एवरेज क्या आएगी, एवरेज आपके पास आएगी 55। आपको ये प्लस करके या डेविएशन भी यहां पे इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है फिर आपको प्लस ही करना पड़ेगा, वहां से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब हमने देखना है नंबर ऑफ सिटी, कौन कौन सी सिटी में जो टोटल प्रोडक्शन है ना, या तो वो 55 है या 55 से ज्यादा है, क्या पहले में है, हाँ ए में 55 या 55 है, बी में 38, नहीं यहां पे ज्यादा है, ठीक है ये भी चलेगा, यहां पे ज्यादा है ये भी चलेगा, यहां पे नहीं है, यानी सिटी ए में और सिटी सी में और सिटी डी में, यानी 3 सिटीज में, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास गिवन है बार ग्राफ जो शो करता है एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी, टाइप ए का कलर इस तरह से है एंड टाइप बी में ये जो लाइन वाला बार है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, What is the ratio of total exports of car of type A in 2014 and 2018 to the total export of cars of type B in 2015 and 2016? यहां पे भी आपको रेशियो फाइंड करनी है, किस किस की, एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप ए, ए की कहां कहां पे, 14 और 18 में, ये है 14 और ये हो गया 18, तो हम लिखेंगे 200, यहां तो सीधा 200 प्लस 300 कितना आएगा 500, सीधा मैं टेबल से ही लिखता हूं, और रेशो फिर 15 एंड 16 की, 16 की आपने कार बी की देखनी है, लेकिन ये आ गई 15 और ये आ गई 16, 200 250 कितना हो गया 450, बस इतना सही क्वेश्चन था, ये जीरो कैंसल, 9 5s are 45, 10 5s are 50,
तो 10:9 ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए, यहां पे हमने देखना है टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए 2014 से लेकर 2017 तक इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस, हमने परसेंटेज निकालनी है, देन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप बी इन 2015 से लेकर 18 तक। पहले हम देखेंगे टाइप ए का, यहां पे हम रेशो फाइंड करेंगे क्योंकि परसेंटेज है, तो 14 से 17 तक, यहां तक क्या आपको देखनी है टाइप ए, यानी ये 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 और ये, तो ये करो आप 200 प्लस आएगा 150 प्लस आएगा 275 प्लस 175, ठीक है। और बी की आप देखो, टाइप बी की हमने देखनी है 15 टू 18, यानी ये 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 और ये हो गई 250 प्लस 200 प्लस 275 प्लस 325, करो जल्दी से इनको प्लस, ये आएगा 800 और ये आएगा 1050, ये और ये हो गया कैंसल, 16 5000 होता है 80 एंड 21 5000 ये, तो आएगा 16:21। यहां पे हमने लेस देखना है, ठीक है यार, यहां पे आप सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर आपको लेस देखना है तो बेस आएगी बड़ी वाली, अगर आपको ग्रेटर देखना है तो बेस आएगी छोटी वाली, ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हमने लेस देखना है, तो पहले देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का, और लेस है तो बड़ी वाली बेस आएगी, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ और बाहर से लगाओ परसेंटेज, करो इसको डिवाइड, ये आपके पास बनेगा 23.8%। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन में गिवन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्टील, जहां पे इंपोर्ट के लिए ये बॉक्सेस जैसे हैं एंड एक्सपोर्ट के लिए सिंपल ये प्लेन कलर है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मेनी इयर्स वर द इंपोर्ट मोर देन 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द गिवन 5 years, हमने देखना है इन 5 साल में कौन से ईयर में जो इंपोर्ट है वो होगा 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 5 years, एवरेज निकाल के उसको 80% से मल्टीप्लाई करो, फिर देखो कहां पे ज्यादा है जो भी हमने देखना है, निकालो पहले एवरेज, किसकी निकालनी है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए ये प्लान बॉक्सेस है ये, ठीक है, तो डालो वैल्यू, ये है 400 450 600 440 650, ठीक है, यहां पे आपको एवरेज निकालनी है, अगर आप प्लस करने बैठोगे फिर अपान करोगे डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 करोगे, वहां से कैलकुलेशन लेंथी होगी, इसलिए डेविएशन का मस्त तरीका है, कोई भी आप इनमें से आप चूज करो, मैं चूज करता हूं 450, तो ये 450 मैंने एवरेज चूज की, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहां से आप डेविएशन देखो, 400 माइनस 450 कितना आएगा माइनस 50, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा प्लस 150, यहां पे आएगा माइनस 10, यहां पे प्लस 200, ठीक है, तो करो इसको सिंप्लीफाई, आप 150 में से जब माइनस करोगे 50 कितना रहेगा 100 रहेगा, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 300, फिर माइनस 10 290 रहेगा, यानी आपके पास बनेगा 290 और अपान में 5, तो करो इसको सिंप्लीफाई, ये आपके पास आएगा 450 प्लस 58 आएगा, तो आपके पास बनेगा 508 आपके पास क्या, आपके पास क्या है एवरेज एक्सपोर्ट, लेकिन हमने देखना है 80% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट, इसका आप 80% निकालो, तो 508 का 80% आएगा 80/100, ये और ये खत्म, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा 4/10, ये इधर और ये बीच में गया, यानी 406.4, ये आपके पास क्या निकला 80%
ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द गिवन 5 ईयर. अब आपने क्या देखना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल वर द इंपोर्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा इंपोर्ट. अब इंपोर्ट के लिए ये बॉक्सेस हैं, देखो 406 से ज्यादा कहां कहां पे है, यहां पे है नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे 450, हाँ 500 550, यानी कि 3 ईयर्स, 15, 16 और 17 में 3 ईयर्स. हेंस सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑन एजुकेशन. यहां पे हमारे पास गिवन है, एक्स एक्सिस पे एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो फैमिलीज एक्सपेंडिचर करती हैं ऑन एजुकेशन, एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ फैमिलीज. सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा यहां पे डेटा रीड कैसे किया जाता है. देखो ये है 1500 टू 2000, इसका मतलब ये हुआ कि 1500 से लेके 2000 तक जो एक्सपेंडिचर कर रही है ना फैमिलीज, वो कितनी है, 23 है. यहां पे 1500 इंक्लूड होगा लेकिन लास्ट वाला यहां पे इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है. अब जो 2000 है वो यहां पे इंक्लूड होगा, 2000 से लेके 2500 तक, यानी इसका मतलब ये हुआ 2000 लेस देन 2500 वो है 35 फैमिली, इसी तरह से 2500 से लेके 3000 तक वो है 47 फैमिलीज. ओके, तो इस तरह से यहां पे डेटा को रेड किया जाता है. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर. यहां पे हमने देखना है नंबर ऑफ फैमिलीज जिनका एक्सपेंडिचर 2000 से 2000 आर मोर, 2000 या इससे ज्यादा, लेकिन लेस देन होना चाहिए 4000. अब देखो 2000 यहां से आता है और कहां तक, यहां तक, क्योंकि यहां पे है 3500 से लेके 4000 तक, यानी यहां पे 4000 लेस आएगा. तो यहां तक आपने देखनी है नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी ये 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 और ये, करो इनको प्लस, 35 प्लस 47 प्लस 55 प्लस 70, जल्दी जल्दी से प्लस करो, आपके पास आएगा 207 और यही आपके पास आंसर आएगा. एंड एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द रेशियो. यहां पे हमने रेशियो फाइंड करनी है ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली इनकम ऑन एक्सपेंडिचर आर बिलो. यहां पे हमने देखनी है फैमिलीज जिनकी मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, 3000 से कम, यानी यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां पे 3000 है, 3000 से कम इतने आएगा, यानी 23, 35, 47, हम लिखेंगे 23 प्लस 35 प्लस 47, रेशो फाइंड करनी है टू द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 4000 आर एबो. 4000 यहां पे है, 4000 और इसके बाद ऊपर तक 5500 तक, इससे लेस हमने लेना है, यानी यहां तक ही आएगा, यानी ये और ये, 65 प्लस 40 प्लस 43, करो फटाफट से इनको प्लस, 7, 3, 10, 100, 105 एंड ये आएगा 160, ठीक है. ये दोनों फाइव से होंगे, 21 फाइव होता है 105 एंड 32, बस आएगा 21 into 32, 21:32, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, द नंबर ऑफ फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 2500 आर मोर बट बिलो 4000. कहां से हमने लेना है, ये है 25 से ऊपर 4000 तक, यहां तक, यानी 3 इज व्हाट परसेंट मोर. यहां पे हमने देखनी है व्हाट परसेंट मोर, परसेंटेज है, तो यहां पे भी रेशो लगेगा, लगाओ 47 प्लस 55 प्लस 70 रेशो मोर. फैमिलीज हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आर 4500 आर मोर बट 6000, 45 से ऊपर जाओ, यहां से जाना है बिलो 6000 तक, हाँ वो तो सारा ही आएगा यहां तक ही, यानी ये और ये, यानी आपके पास बनेगा 52 प्लस 43 प्लस 30,
ठीक है, तो करो इनको प्लस, तो प्लस करके आएगा आपके पास 172 और ये आपके पास आएगा 125। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 47 का। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मोर देख रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं ना, यानी छोटा वाला बेस आएगा, छोटा वाला 125। एंड बाहर से मस्त सी परसेंटेज, 25 5s are 125, 25 4s are 100। करो इसको मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 188/5%। करो इसको डिवाइड फटाफट, 37.6%। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पे गिवन है एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड इन इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर। दो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ फाइव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, D1, D5 इन अ स्टेट इन क्लास 12। एंड यहां पे जो मैक्सिमम मार्क्स है ना इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर के, वो है 100। यानी जो मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट्स ने, वो लिए हैं आउट ऑफ 100। अब क्वेश्चन पे आओ, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ द फाइव डिस्ट्रिक्ट। यहां पे हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज परसेंटेज, यानी पहले निकालो एवरेज, फिर आपको निकालनी है परसेंटेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश ऑफ द फाइव डिस्ट्रिक्ट, पांच डिस्ट्रिक्ट के। अब इंग्लिश हमारे पास ये है, यानी ये जो फुल वाला बॉक्स है, कितनी है, 70, 60, 60, 85 और 90। यहां पे मैं डेविएशन मेथड से एवरेज फाइंड करूंगा। लेट अस सपोज दैट एवरेज है 70। अब 70 - 70 आएगा 0, 60 - 70 - 10, यहां पे भी -10, 85 - 70 + 15 और यहां पे 20। करो इनको प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 10 10 होता है 20, लेकिन आएगा -20, वो -20 एंड ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा, यानी +15/5, क्योंकि 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 5 3 15 आएगा 73। एवरेज क्या निकली, 73। अब हमको निकालनी है परसेंटेज भी, इसकी परसेंटेज यानी एवरेज की परसेंटेज। अब टोटल कितने हैं, 100, तो 100 में से अगर आपको आए 73, तो बताओ फिर आपको कितने परसेंट आए, 73%, क्योंकि 100 में से 73 का मतलब 73% ही। तो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स इन द वर्नेक्यूलर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट D1, D2, D4। यहां पे हमने डिफरेंस फाइंड करना है, एवरेज का डिफरेंस, एंड D3, D5। सिंपल है, पहले लो आप D1, D2, D4 को, है ना, तो यहां पे किसके बात कर रहे हैं, वर्नाक्यूलर की, वर्नाक्यूलर वाला खाली है, तो यानी D1, D2 एंड D4, ठीक है, इनकी आप एवरेज परसेंटेज निकालो, तो ये बनेगी 80 + 70 + 75। यहां पे प्लस करके भी कर सकते हो, या तो सिंपल है, देखो 70 75 80, 5 5 का डिफरेंस है, तो ये आपके पास एपी है ना, अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे ना, 70 फिर 75 फिर 80, 5 5 का डिफरेंस है ना, अगर आपका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, फिर सीधा एवरेज मिडल वैल्यू आती है, यानी मिडल वैल्यू 75। ये निकली एवरेज। अब एवरेज परसेंटेज कैसे निकलेगी, 100 में से 75 आए तो ये तो वही हुआ ना, है ना, ओके। उसके बाद आपको निकालना है डिफरेंस D3 D5 का, D3 ये हो गया और D5 ये हो गया, यानी 50 55, इसकी एवरेज निकालो सीधा ऐसे, अपॉन 2, दैट इज 105/2, दैट इज 52.5%, ठीक है, ये भी इतना ही आएगा 100 में से। अब आपको इनका डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो करो 75 - 52.5%, करो इनको माइनस फटाफट, तो माइनस करके आएगा 22.5%। हेंस सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, एंड जो बार ग्राफ का जो टॉपिक है वो भी यहीं पे खत्म होता है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चन आपको मैंने करवाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
एंड एक रिक्वेस्ट है, इसको आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।